ग्रेट मॉर्निंग जी दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद, मैं सीएस में, मैं अमेरिका और मैं लंदन। दोस्तों, आई हैव 28 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और आज मैं आपके सामने एक बड़ी प्यारी सी बात ये करने आया हूँ कि जनरली सब मेरे से ये पूछते हैं और आई हैव सीन द वीडियोस जो बाकी सब लोग कर रहे हैं, वो कंपेयर कर रहे हैं बेटे NISM को NCFM को NISM के साथ। मैं ये कहूँगा ये कंपेरिजन कर ही नहीं सकते यार। आप NCFM को कैसे आप कंपेयर करेंगे NISM के साथ? NCFM स्टार्ट हुआ था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 92-93 के आसपास और ऑब्जेक्टिव था कि फाइनेंशियल एजुकेशन देनी है। NISM स्टार्ट किया सेबी ने एंड द ऑब्जेक्टिव वाज कि भाई अगर आप मार्केट पार्टिसिपेंट्स बनने वाले हैं, डीलर बनने वाले हैं, सब ब्रोकर बनेंगे, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, तो आपको कुछ सर्टिफिकेट होना चाहिए। यू कैनॉट एडवाइज द पब्लिक। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का आपको सर्टिफिकेट चाहिए, रिसर्च एनालिस्ट का सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव था NISM का। तो बेटे ये कहना बड़ा गलत रहेगा कि NCFM अच्छा है या NISM अच्छा है। बट अगर इफ यू आर फ्रॉम यू नो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा अपने एक्सपीरियंस से। इफ यू आर अ नॉन फाइनेंस गाय, इफ यू आर अ बीटेक, यू आर डूइंग बी आर्ट्स, हिस्ट्री ऑनर्स, कुछ भी है बेटे, पैसे तो कमाने ही है ना। आप सचिन तेंदुलकर की, अमिताभ बच्चन की एड देखते हो ना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, 500 rupees की सिप लेनी चाहिए, तो आपको कुछ नॉलेज तो पता होनी चाहिए। तो यू शुड स्टार्ट विद द NCFM, NCFM के मॉड्यूल्स को स्टार्ट करें। बाकी और लेक्चर्स में मैं बताऊंगा कि NCFM क्या है, कैसे है, NSE क्या है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।